पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर एक सफ़ेद पाउडर बनता है। एक छात्र ने इसकी प्रकृति का परीक्षण करने के लिए इसे पानी के साथ मिलाकर लाल लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया। अपना प्रेक्षण लिखिए। मतलब जब लाल लिटमस का पानी के साथ परीक्षण करोगे तो मतलब कंडीशन क्या आएगी, तो आंसर देखो। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको लिख देना है लाल लिटमस पेपर नीले में बदल जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर वन हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर नीले में बदल जाएगा। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर टू। अम्लीय पदार्थ का पीएच निम्न के बीच होता है, तो जीरो से ज़्यादा होता है और सात तक होता है, तो ऐसे ही ऑप्शन में समझ लेना, जीरो या उससे ज़्यादा लेकिन सात से कम, ठीक है, क्लियर है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक छात्र ने सोडियम कार्बोनेट पाउडर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जिससे बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है, क्या होगा यदि इस गैस को चूने के पानी से गुजारा जाए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन किए गए, एक बुदबुदाहट के साथ कौन सी गैस निकलती है और दूसरा क्या होगा यदि गैस को चूने के पानी से गुजारा जाए, तो आंसर देखो। तो ये सेकंड का आंसर था, ठीक है, सेकंड में आपका सी था, जीरो या उससे अधिक लेकिन सात से कम। तीसरे का आंसर देखो, आंसर नंबर थर्ड में लिखोगे बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलेगी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और दूसरा क्वेश्चन था, तथा जब CO2 गैस को चूने के पानी से गुजारा जाए तो वह दूधिया हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा दूधिया रंग में, ठीक है। तो इसमें दोनों का आंसर एक साथ हो गया, बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलेगी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तथा जब CO2 गैस को यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाएगा तो वह दूधिया हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, ये आंसर नंबर थर्ड हो गया। अगला देखो, थर्ड में अथवा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या उदासीन यौगिक प्राप्त करने के लिए इस प्रतिक्रिया को करना आसान है, तो आंसर देखो। पहले कह रहा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसमें भी दो क्वेश्चन किए गए हैं, उसके बाद में क्या उदासीन यौगिक प्राप्त करने के लिए इस प्रतिक्रिया को करना आसान है, तो आंसर देखो। तो सबसे पहले लिखोगे अथवा में, अथवा का आंसर है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, यह अभिक्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण भी लिख दो, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, ठीक है, तो ये केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई है, ठीक है। इसमें आपको उदाहरण का भी उदाहरण का भी मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, चाहो तो आप इतना ही लिख सकते हो। फिर आगे इसमें एक क्वेश्चन और किया गया था, उसका आंसर देखो इसी में लिखना है, और उसी लाइन में ये भी जोड़ के लिखना है, हाँ उदासीन यौगिक को प्राप्त करने के लिए इस प्रतिक्रिया को करना आसान है, ठीक है। उसी के नीचे जस्ट अथवा में ये भी ऐड करना है, ध्यान रखना, क्योंकि अथवा में दो क्वेश्चन किए गए थे, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ऊपर लिखे हो, उसके जस्ट नीचे ये भी आपको लिखना, हाँ उदासीन यौगिक को प्राप्त करने के लिए इस प्रतिक्रिया को करना आसान है, ठीक है। तो ये अथवा का आंसर कंप्लीट होगा तीसरे का। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये भी कंप्लीट हो गया, दो इसमें थे अथवा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है, अनैच्छिक क्रिया किन्हें कहते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग सामान्यतः इन गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो इसमें भी दो क्वेश्चन किए गए हैं, एक तो है अनैच्छिक क्रिया किन्हें कहते हैं, दूसरा कौन सा भाग इन पर नियंत्रण करता है, आंसर देखो फोर का। आंसर नंबर फोर, जिन
प्रतिक्रियाओं पर हमारे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ये आपको लिखना है, अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, इसका आंसर हो गया। इसमें और लिखना है नियंत्रण कौन करता है, तो इसी में ये भी आप लिख लेना, ठीक है। पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन है दूसरा, जो किया गया था अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला। तो इसमें दो क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर है, ठीक है ना। तो ये नियंत्रित करता है, ठीक है, ध्यान रखना, और ये अनैच्छिक क्रिया है। ये आंसर 4 हो गया, टोटल करके लिखना एक साथ, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 5। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में एक धूसर रंग के पदार्थ का निर्माण करता है, वह है चांदी धातु की क्लोरीन गैस है कि सिल्वर ऑक्साइड है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है चांदी धातु, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6। एक कृत्रिम सूचक जो क्षारीय प्रकृति के पदार्थ में गुलाबी हो जाता है कौन सा है, हल्दी पत्रक है कि मिथाइल ऑरेंज है कि फेनोल पिथिलीन है कि पीएच पेपर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, फेनोलोपिथिलीन, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट है। अगला देखो क्वेश्चन 7। जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है तो यह एक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। अब दो क्वेश्चन किए जा रहे हैं, उनके आंसर हमको देने हैं। पहला कह रहा है कि ए, इसके निर्माण में किस प्रकार की अभिक्रिया शामिल है, इसके निर्माण में किस प्रकार की अभिक्रिया शामिल है। दूसरा, इस अभिक्रिया में सफ़ेद रंग देने वाले यौगिक का नाम लिखिए। तो इन दोनों के आंसर देख लो। तो आंसर नंबर 7 का जो फर्स्ट है उसमें आपको लिखना है इनके निर्माण में द्वि विस्थापन अभिक्रिया शामिल है, ठीक है ना, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। आप दोहरी विस्थापन अभिक्रिया भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और बी जो क्वेश्चन है, जो यौगिक है वो है बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो 7 में दो क्वेश्चन किए गए थे, ये ए का आंसर है और ये बी का आंसर है, क्लियर है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 8। रक्त का कौन सा घटक शरीर में रक्त के रिसाव से बचाव में मदद करता है। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 8वें का आंसर है, किसका, 8वें का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। जब तांबे को चाइना डिश के बर्तन में गर्म किया जाता है तो इसकी सतह हो जाती है नीली, हरी, काली, पीली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी है, ठीक है। क्या हो जाती है, काली। अथवा वाला क्वेश्चन है इसका, अपचायक कारक किन्हें कहते हैं, अपचायक कारक किन्हें कहते हैं। आंसर देखो इसका, ये इसका आंसर है, ठीक है। रसायन शास्त्र में अपचायक ऐसे रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य रसायन को देता है, ठीक है। ये पूरा आपको लिख लेना आंसर में, तो आंसर हो जाएगा अपचायक किसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखो,
तो ये भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का विपरीत यानी कि उल्टा संभव है, स्पष्ट कीजिए, इसको देख के बताना है। तो देखो इसमें आपको सीधा लिख देना है आंसर नंबर 10 में, नहीं ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, हो गया ये इसका आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, पादपों के लिए वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, आंसर देखो इसका। ये आंसर हो जाएगा 11, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए महत्व। पहला, यह जल के अवशोषण को नियमित करता है। दूसरा, रसारोहण के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा, पौधे में तापमान संतुलन रखता है। तीनों में से कोई एक दो, एक पॉइंट लिख दो, एक नंबर का काफ़ी है, ठीक है ना। आंसर 11 हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को उनकी अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जिंक, ठीक है। तो आंसर देखो इसका, इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा लोहा, ठीक है, सबसे पहले लोहा, उसके बाद आएगा जिंक, कोमा, उसके बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में कैल्शियम। आप इसको अच्छी राइटिंग में लिख लेना, ठीक है ना। पहले आपका लोहा आएगा, उसके बाद जिंक, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। तो ये हो जाएगा आरोही क्रम में, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है ना, कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। लोहा, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर बनने वाली गैस का नाम, यानी कौन सी गैस बनती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है ना। तो जो बनने वाली गैस है हाइड्रोजन है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक ही खाने की सलाह क्यों दी जाती है, आंसर तेरा। आंसर देखो, आंसर है ये आंसर नंबर 13, आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि मानव शरीर में वट ग्रंथ यानी कि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। एक नंबर में काफ़ी है और बढ़ाना है, अर्थात थायरोक्सिन के संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक है। ये हार्मोन मानव शरीर में प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि वृद्धि और विकास के लिए उचित संतुलन उपलब्ध हो सके। अतः हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक एक आवश्यक घटक होना चाहिए। आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा यानी गोइटर नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो आप ये लिख देना, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14, 15, 16 के लिए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, दूसरा कारण आर। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड
ए बी सी डी से करें। कंडीशन है अगर ए ऑप्शन लगाओगे तो ए और आर दोनों सत्य होने चाहिए, आर ए की व्याख्या करें, ठीक है। अगर बी ऑप्शन लगाना है तो ए और आर यानी दोनों लाइनें सही हों लेकिन बी आर की व्याख्या ना करें, दूसरी लाइन ए की व्याख्या ना करें। अगर सी लगाना है तो ए सही होना चाहिए, आर गलत, पहली लाइन सही हो दूसरी गलत। अगर आपको डी लगाना है तो पहली गलत हो बस सीधा डी लगा दो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर से देखो, ए आर दोनों सही हो मतलब पहली दूसरी लाइन दोनों सही हो, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या करें तो ए लगाओ, और दोनों लाइनें सही हों लेकिन दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करें तो बी लगाएंगे। अगर पहली लाइन सही है दूसरी गलत है तो सी, और अगर पहली लाइन ही गलत है तो डी, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन कह रहा है कि गैलियम और सीजियम के कुछ टुकड़े यदि हाथ में रखते हैं तो वे पिघल जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। कारण में कह रहा है गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, और कम होने के कारण वो पिघलते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, दूसरी लाइन पहले लाइन की व्याख्या कर रही है, तो कौन सा ऑप्शन लगाना है आपको, ए, ठीक है, नहीं करते तो बी लगा देते, दोनों बातें सही होनी चाहिए थी। अथवा वाला देखो, अभिकथन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, बिल्कुल सही बात। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ये भी सही है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उभयधर्मी होने के कारण ही ऐसा कर रहा है, तो ये भी मतलब सही है, और ये इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या ऑप्शन लगाना आपको, ए। तो 14 में पहले में भी ए अथवा में भी ए होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में अग्नाशय बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। कारण इंसुलिन अग्नाशय पर स्थित कोशिका के विशेष समूह द्वारा स्रावित होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज स्तर को बनाए रखने में अग्नाशय की बात बताया जा रहा है, यहाँ पर इंसुलिन अग्नाशय पर स्थित कोशिका के विशेष समूह द्वारा स्रावित होता है, तो ये भी बातें तो दोनों सही की जा रही हैं, लेकिन ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने का इसका इससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लाइन तो दोनों सही है लेकिन दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या नहीं कर रही है, तो हम इस कंडीशन में बी लगाते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16, अभिकथन एक दूरदर्शी के नेत्रिका लेंस का द्वारक बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कारण दूरदर्शी के नेत्रिका लेंस दूर की वस्तु से आते प्रकाश को अधिक एकत्र कर दूर की वस्तु की एक साफ प्रतिबिंब बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो बड़ा होता नहीं है नेत्र का द्वारक, यही कारण है ऐसा करने के लिए, तो मतलब ये इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है ना। तो जब दोनों राइट हों, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या करें तो ऑप्शन कौन सा लगाते हैं, ए, ठीक है, ए हो जाएगा इसमें। तो 1 to 16 क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ, आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है, तैयार कर लीजिए, और कॉमेंट में लिंक पेस्ट ओपन करके आप देख लीजिए बाकी सब्जेक्ट के आंसर जो अपलोड हैं, आंसर की जो स्कूल से आई हुई है।